हिंदी में क्या बोलते हैं कौन बताए? चलो बताओ अनु। टाइगर को। चलो बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। रजत। चलो रजत के लिए जोरदार तालियां। तो जैसे हमें पता चला टाइगर को बाघ जो है वाघ मराठी में बोलते हैं, तो हम टाइगर ही बोलेंगे। तो एक टाइगर था, एक बहुत बड़ा जंगल था। क्या था जंगल? जंगल का राजा कौन होता है? लायन। शेर। यस yes. तो शेर जंगल का राजा था और फिर उसकी प्रजा यानी बहुत सारे जानवर। तो अभी क्या थे, हमें तकलीफ है तो लेनी, लेकिन कैसे लोग साथ में आपको वो बताऊंगा। तो टाइगर साहब ऐसे बैठे थे, ऐसे ही अपने इलाके में मस्त खा पी के एकदम आराम कर रहे थे। और वहीं से एक गधा जो है जा रहा था दूर से थोड़ा, और गधा जा रहा था तो गधा क्या खाता है? घास खाता है ना। तो जा रहा था घास, घास देखते हुए जा रहा था। तो बोलता है कि मेरी घास कौन से रंग की होती है? हरे रंग की होती है ना। लेकिन गधा बोलता है कि मेरे को पीले रंग की घास दिखती है, ये घास पीली होती है। तो फिर टाइगर वहाँ पे बोलता है कि घास पीली नहीं होती, घास तो हरी होती है। तो गधा बोलता है नहीं नहीं, तेरे को गलत फहमी है, घास हरी नहीं होती, घास क्या होती है? पीली होती है। तो वो बहुत झगड़ा करते हैं कि घास पीली होती है, ऐसा गधा बोलता है, टाइगर बोलता है नहीं हरी होती है। सच कौन बोलता है? टाइगर सच बोलता है ना, घास हरी होती है। लेकिन गधा क्या बोलता है? नहीं, घास तो पीली होती है, तेरे को कुछ नहीं पता, ये घास के मामले में तेरे को सिर्फ है ना मांसाहारी पसंद है, तेरे को उसी का नॉलेज है, लेकिन ये शाकाहारी का नॉलेज मुझे, तो इसलिए इसके बारे में मुझे तो ये पीली होती है। तो ऐसा गधा बोलता है। तो उनका बहुत झगड़ा होता है, पूरी प्रजा वहाँ पे खड़ी हो जाती है। तो प्रजा खड़ी हो जाती है, प्रजा बोलती है कि अभी तुम दोनों झगड़ा मत करो, हम राजा के पास जाते हैं। तो दोनों जाते हैं राजा के पास, शेर के पास जाते हैं। यस yes. शेर के पास ऐसे उन्हें सामने उन्हें बिठाया जाता है। तो बोलते हैं शेर जी, बोलते हैं बताइए क्या प्रॉब्लम है? तो फिर क्या होता है, प्रॉब्लम पूछते हैं। तो वहाँ पे गधा बोलता है, राजा जी देखो ना, घास क्या होती है? पीली होती है। ये टाइगर मेरे पीछे पड़ा है, घास हरी होती है, हरी होती है, आप ही बताइए इसको घास पीली होती है। तो राजा जी बोलते हैं चलो गधे जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। गधे जी को क्या कर दिया? छुट्टी दे दी। क्या दे दिया? छुट्टी, आप जा सकते हो। और टाइगर को क्या बोला, उसके सिपाहियों को क्या बोला? टाइगर को बहुत कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अभी टाइगर बोलता है कि ये तो बहुत ना मेरे को अन्याय हुआ, मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, क्योंकि मैं सही बोल रहा था, लेकिन फिर भी मुझे क्या मिली? सजा मिली। ऐसा कौन बोलता है? टाइगर सही बोल रहा था ना, लेकिन फिर भी क्या मिली? सजा मिली। तो शेर बोलता है तू बिल्कुल सही था, लेकिन तेरे को तो पता है तू झगड़ा किससे कर रहा है, तेरे को पता है ना सामने वाला गधा है, दिमाग किससे लगा रहा है? गधे से दिमाग लगा रहा है। तो सबसे बड़ी गलती तो तेरी थी उधर, तू समझदार होता, तू तो टाइगर था, तू तो खुद को जानता है, तेरे में दिमाग है, अकल है, लेकिन गधे में थोड़ी होती, ये भी तेरे को पता है, तो गधे से क्यों दिमाग लगा? यस और नो? तो साथ ही उसी तरीके से जब आगे बढ़ेंगे तो हम हमारा बहुत सारा समय किस पे वेस्ट करते? ऐसे लोगों पे जो जिन्हें उसका नॉलेज नहीं, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस के साथ बोलते। अभी जैसे अभी आपने किस किस में संस्कृत लैंग्वेज, मराठी, संस्कृत लैंग्वेज किस किस को पता है? चलो बहुत बढ़िया सर। अभी आपको भगवद गीता खरीदी है ना आपने, वो जय जगदीश हरे वो कौन से लैंग्वेज में? ओम जय जगदीश हरे कौन सी लैंग्वेज? हिंदी में सर, हिंदी में सर आपने देखी? चलो जोरदार तालियां सबके लिए। तो साथियों जो है वो जो है हिंदी में है, वो जो सॉन्ग जो है हमारा भजन बोलते हैं वो हिंदी में। लेकिन मैं एक जो है बुजुर्ग बाबा को दिखा रहा था, सर ये देखिए ये ऐसे पढ़ती है ओम जय जगदीश हरे, तो मेरे को बोले कि ये तो मराठी में, और श्लोक सोते संस्कृत का श्लोक, वो बोले कि ये हिंदी श्लोक। मैं बोला सर ये मराठी है, वो बोले नहीं नहीं ये हिंदी, ये मैं ना मेरे पूरी पढ़ती आ रही है, मैं बहुत इसमें इसी में घुसा हूँ, हर रोज सुबह पढ़ता हूँ। और वो पूरा लैंग्वेज को उल्टा सुलटा कर, हिंदी को मराठी बोलते थे, मराठी को संस्कृत बोलते थे, ऐसा मेरे साथ एक बार हुआ। लेकिन फिर मैंने क्या किया, मैंने वो सोचा कि अगर वो गधा है, मेरे को तो पता है मैं सही हूँ, वो तो गधा है, लेकिन मैंने बोला सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये मराठी है तो मराठी बोल रही है, ये हिंदी है तो ये हिंदी बोल रही है। और समय बर्बाद न करते उन्होंने अच्छे लगे और उन्होंने वो खरीद लिया। तो साथियों अगर मैं उनसे दिमाग लगाता, दबान लगाता कि सर आप गलत हो, आपको समझ नहीं आ रहा,
फिर वो क्या है, थोड़ा ईगो बीच में आता है और हम क्या वहीं पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं और हमारा जो काम होने वाला था वो क्या होता है, वो नाकामयाब हो जाता है और हम उस काम को पूरा नहीं कर पाते। तो इसलिए जब भी हम तकलीफें तो झेलेंगे, लेकिन ऐसे अभी जैसे टाइगर ने बिना काम की तकलीफ झेल ली, अपने सिर पे अपने सिंग पेट में सिंग डाल दिया। तो इसीलिए हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, तकलीफें भी झेलनी है लेकिन कैसी, समझदारी के साथ। हमें समझदारी रखनी चाहिए और किसके साथ हम दिमाग लगा रहे, किससे हम जो है अपना दिमाग के बिना फालतू में खर्चा कर रहे, समय बर्बाद कर रहे, उस पर हमें ध्यान देना है और बस इसी तरीके से मेहनत करती रहनी है। ज़िंदगी में तकलीफें तो आएंगी, हर किसी को आती है, तो इसी तरीके से हमें तकलीफों को झेलना है और बस गधों के मुंह नहीं लगना है, सिर्फ अपना अपना जो नॉलेज हमें पता है उसका सही तरीके से हमें उपयोग करना है और हम उपयोग करेंगे तो हमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आखिर मैं यही बोलूँगा, कोशिश तो कर हल निकलेगा, कोशिश तो कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा।